वफाक के अंदर शहबाज शरीफ साहब वजी आजम है पंजाब के अंदर मरीम नवाज शरीफ साहिबा वजी अला पंजाब है लेकिन कुछ ऐसी शख्सियात जो कि दो हजार चौबीस के इंतजाम में इलेक्ट तो ना हो पाई लेकिन अपनी जमीर की आवाज को बुलंद करते हैं अब वो बात वो गुफ्तु चाहे इमरान खान के केसेस के हवाले से हो या इस हवाले से हो कि ये हुकूमत जो कि आज मौजूद है ये कितनी बख्तियार है दिलचस्प बात ये है कि राना सनाउल्ला साहब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब इमरान खान साहब को जो सजाएँ इलेक्शन से फौरी पहले सुनाई गई उनके बारे में क्या कहते हैं दिलचस्प बात यह है कि वो ये कह रहे हैं बल्कि इस बात को कह रहे हैं कि सियासी फ़ायदा इमरान खान को हुआ इन सजाओं का लेकिन अजीब बात है कि जब ये सब कुछ हुआ तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा पर जिस तरह आज तनकी दी जाती है लेकिन उस वक्त उनको जब ये सजाएं इमरान खान को सुनाई गई तो जिस तरीके से उनका मौकफ सामने आया वो भी बड़ा दिलचस्प है वो क्या फरमाती है सुनिए कल इमरान खान को 10 साल सजा हो गई कौमी राज अफशा करने पर जो आज टीवी पर बैठ कर कह रहे ये नहीं होना चाहिए था क्यों नहीं होना चाहिए था आज सुबह में टीवी देख रही थी तो कुछ मीडिया वाले ये कह रहे थे कि ये बड़ी जल्दी जल्दी में मुकदमा चला है जी ये मुकदमा में जल्दबाजी में फैसला किया गया है तो मैं नारोवाल छकरगढ़ और जफरवाल से पूछना चाहती हूँ की जल्दी जल्दी में ये फैसला किया गया है तो मुझे बताओ क्या उसको ये सजा ठीक हुई है या गलत हुई है टीवी पर के कहते हैं। ये सजा है। ये मुकदमा नहीं है, ये सजा भी नहीं है। जहां यह गुफ्तु -गु होती रही है वहां यह भी है, कि जो इस है, वो बड़ी बेख्तियार है। उसका कोई इख्तियार नहीं है और उसके पास शायद वो मैंडेट ही नहीं है कि वो पूरी तरह से गवर्न कर सके वो एक कठपुतली हुकूमत है ये पीटीआई में कोई नहीं कह रहा यह मियाँ जावेद लतीफ फरमा रहे हैं जो कि मियाँ नवाज शरीफ के देरीना साथी हैं गुफ्तु अब जरा हो जाए जी राना सनाल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रान साहब बहुत शुक्रिया आपका सर मुतद इंटरव्यूज़ आपने दिए हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर आ, आपके आप बशमूल आपके आपके कुलीग जावेद लतीफ़ साहब भी मुख्तलिफ गु होती रही है आपने भी कहा कि इमरान खान को जिस तरह से सजाएँ वह दिलवाई गई हैं कानूनी तौर पर भी क्योंकि आप ख़ुद वकील हैं और आपको पता है आपने कहा यह या फैसला ओवरटर्न हो जाएगा या इसमें ज़मानत मिल जाएगी इसी तरह मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने भी ऐसी बाई बातें की हैं कि जिस तरह इमरान खान को सजाएँ दिलवाई गई उसका नुकसान नहीं हुआ इमरान खान को उसका फ़ायदा ही हुआ है लेकिन ताजुब की बात यह है कि जब इमरान खान को सज़ाएँ दिलवाई गई थी अब एज़ इम्पॉर्टेंट एज़ मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो कि इस वक्त वजे अला पंजाब है उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया हर एक ने पूरी पी एम एल एन के अंदर के लिए बड़ा अच्छा सज़ाएँ हो गई हैं और कोई जल्दबाजी नहीं की गई बड़े ठीक तरीके से ट्रायल हुआ है कोई स्पीडी ट्रायल नहीं है तो ये जो आपको अब महसूस हो रहा है क्या राणा साहब ये सिर्फ ये सोच आप तक महदूद है या मियाँ जावेद लतीफ़ तक महदूद है या आपकी पार्टी के अंदर और भी लोग और अगर मैं ये कह पाऊं क्योंकि आप मियाँ नवाजशरीफ़ साहब के बड़े करीब हैं उनको भी एहसास होता है कि यार ये सजाएं जिस तरह से दिलवाई गई हैं इसका सियासी तौर पर इमरान खान को बहुत फ़ायदा हुआ है देखें जहां तक सियासी तौर पे फ़ायदे की बात है वो तो दुरुस्त है वो इलेक्शन में भी जो है वो नज़र आया कि उसका जो विक्टिम कार्ड उसके पास था उसमें अजाफा हुआ वो चार्ज हुआ इन सज़ाओं से अब आगे दो चीज़ें हैं एक तो ये है कि क्या ये केसेस ग़लत हैं ये फैब्रिकेट किए गए हैं नहीं ये केसेस दुरुस्त हैं इसमें कोई शक नहीं कि तोशाखाना में हेरा फेरी इमरान ख़ान साहब ने की है घड़ी उन्होंने पहले वहाँ से चुराई है उसको पहले बेचा है उसके बाद उसके पैसे बाद में जमा करवाए हैं रसीदें जाली थी और उसकी जो असेसमेंट है वो भी गलत हुई ठीक है साइफर बिल्कुल दुरुस्त है कि साइफर को जो कि एक प्रिविज डॉक्यूमेंट था इमरान खान साहब ने उसे सियासी मकासद के लिए बल्कि अगर ये कट कहा जाए कि घटिया सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया ठीक लेकिन जो प्रोसीजरल लैपस हैं ठीक है ट्रायल के अंदर आप भी वकील हैं जी जी मैंने भी 10-12 साल जो है वो अदालतों में धक्के खाए हैं हाँ। वो प्रोसीजरल जो लैपस हैं वो अगर रह जाएं ड्यूरिंग ट्रायल वो पता तो चलता है अपील में जाके जब वकला जो है उन नकायस को निकाल के अपील का सब्जेक्ट बनाते हैं ठीक है जब ट्रायल में फैसला होता तो किसी को पता नहीं होता कि कौन से प्रोसीजरल लैप्सिस किए गए हैं या जिनको पूरा किया गया ठीक है अब जब ये केस पेश हुआ तो अमजद परवेज साहब जो है बड़े ही रिनाउंड बड़े मेहनती और बड़े गैर सियासी वकील हैं जी जी। उनका किसी बात से सियासत से कोई तलक नहीं है बिल्कुल तो उन्होंने जब ये बात कही कि कोई कुछ ऐसे प्रोसीजरल लैपसेज हुए हैं कि ये सस्पेंशन का केस बनता है एक सज़ा की सस्पेंशन का केस बनता है ठीक तो मैं उनकी राय से मुतफिक हूँ कि कुछ लैप्स हुए हैं और उसमें बेहतर तो यही है कि के ये केसेज रिमांड होने चाहिए बरीयत के केस नहीं बनते क्योंकि सब्जेक्ट मैटर जो है जो जुर्म का सरजद होना है वो इन केसेस में जो है वो पाया जाता है ठीक है बिल्कुल ठीक अच्छा रान साहब अब एक बात जो कि यकीन आप आप भी इसका इजहार करते रहे जबकि आप तो ये भी फरमाते रहे जैसे मोहसिन नकवी साहब है वो हो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हो ये शहबाज शरीफ साहब लेड हुकूमत की सलामती की जमानत भी है और जिस तरह से मामला है वो आपके सामने हैं अब मिया नवैद अतीब साहब फरमाते हैं कि करिए बात बड़ी शर्मिंदगी की है लेकिन हमारी हुकूमत नहीं यह कठपुतली हुकूमत है इसके पास कोई इख्तियार नहीं है तो नान साहब बहसीयत एक एक दरीना सियासी वर्कर आपने मुतद पोर्टफोलियोज़ भी देखे हालात भी देखे आपको भी यही लगता है कि बस ऐवे ही है काम मतलब कठपुतली काम ही है और इख्तियार कोई नहीं है कम अज़ कम वफाक के अंदर नहीं देखें मुनीर साहब किस इख्तियार की आप बात करते हैं मामला ये है कि ये कुलूशन गवर्नमेंट है क्या जरदारी साहब का प्रेसिडेंट बनाना या उनको प्रेसिडेंट का वोट देना जो है वो कुलशियन गवर्नमेंट की जमानत नहीं है देखे ना एक सिर्फ मोहसन नकवी साहब का तो नाम नहीं ना जो गवर्नर हमने नामजद करने हैं पंजाब में और के पी के में क्या वो जमानत नहीं होंगे क्या जो चेयरमैन सेनेट का हम वोट देंगे वो इसी मकसद के तहत नहीं देंगे कि जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो सेफ और साउंड जो है वो चले जो कुलीशन गवर्नमेंट होती है उसमें इख्तियार जो हैं वो कंसेंसस के साथ ही होते हैं उसमें स्टेक होल्डर्स होते हैं उसमें कोई भी मामला वो इर्सा के चेयरमैन की तैनाती का मामला ही क्यों ना हो हालांकि आप मुझे बताएं ये कितनी बड़ी जो है वो तैनाती है तो उसमें भी जो है वो सब को ऑन बोर्ड लेना पड़ता है इसके बगैर कोलिशन गवर्नमेंट का गुजारा नहीं है आप इसे कह लें कि बेख्तियार है बाख्तियार है जो मर्ज़ी इसको नाम आप दे लें लेकिन कुलिशन गवर्नमेंट मीनज इट लेकिन जो कुलशन पार्टनर्स होते हैं उनके उनके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं कुछ ज़रूरी नहीं कि पहले आप मीडिया पे आके लताड़ें कि जी ये क्यों चेयरमैन बना दिया ये क्यों बना दिया हम जिसे रहने नहीं देंगे और उसके बाद फिर आप उसको विड्रॉ करवाएं इससे गवर्नमेंट का जो इम्प्रेशन है जो कि सबकी मुशतरका गवर्नमेंट है ये पी गवर्नमेंट नहीं है ये जितनी पी एम एल एन की उतनी पीपल्स पार्टी की भी है उतनी दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भी है तो ये रवैया जो है इसके ऊपर हमें एतराज़ है जो कि मैं समझता हूँ कि जायज़ है बाकी कुलशन गवर्नमेंट जो है कुलशन गवर्नमेंट के इतियार ऐसे ही होते हैं बट बट रन साहब बड़े दिलचस्प आपने फरमाया ठीक है और पीपल्स पार्टी वो इतिहादी है जैसे कहा जाता है ना कि दरवाजे पर खड़ा हो हुआ इतिहादी है जो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है जो खड़ा है और वो कहते हैं कि हम शायद जो भार है वो भी बर्दाश्त करने को तैयार है लेकिन वो एक सियासी जमात है आपका पी डी एम वन में भी उनसे इतिहाद रहा उस वक्त वो कैबिनेट में थे बट मैं सिर्फ इसलिए मैं मोहसे नकवी साहब की बात इसलिए कर रहा हूँ कि एक शख्सियत वो उनका वाल्लुक आपसे हम सबसे सारे उन्हें जानते हैं बड़ी बासर शख्सियत है वो निगरान वजे अली पंजाब रहे जैसे ही हुकूमत बने वो वजीर दाखिला के तौर पर आए और अगर आपके मशहूर आपके बहुत से लोगों से पूछा जाए कि नहीं, नहीं मोहसे नकवी साहब आपकी पार्टी में है तो उन्होंने कहा नहीं हमारी पार्टी में भी हमारे उम्मीदवार नहीं है पीपल्स पार्टी से पूछे उन्होंने कहा हमारे भी उम्मीदवार नहीं है तो फिर अगर ये समझा जाए कि महसिन नकवी साहब इतने बाख्तियार इतने ताकतवर हैं कि वो बाकायदा तौर पर इस निज़ाम में इस्टेबलमेंट के उम्मीदवार के तौर पर मौजूद हैं और वजी दाखिला भी हैं तो फिर तो ये हकूमत इख्तियार के लिहाज से बड़ी कमज़ोर हुई राना साहब यानी कि महसिन नकवी साहब शहबाज़ शरीफ़ साहब की या किसी और की तो चॉइस नहीं हो सकते वजी दाखिला और बड़े लोग हैं आपकी जमात के अंदर जो वजी दाखिला बन सकते थे मोहसिन नकवी साहब तो बाकायदा तौर पर भेजे गए बिठाए गए लाए गए तो इससे आपको अपनी कमजोरी का एहसास नहीं होता की मुनीष साहब बात यह है कि मोहसन नकवी साहब जो है वो आपके भी अच्छे जानने वाले हैं मेरे भी दोस्त हैं जी अब हम उनको ही रगड़ा दिए जा रहे हैं मोहसन नकवी साहब जो है ना आप मेरी आज बात सुन लें मोहसन नकवी साहब फैसल बाडा साहब के उम्मीदवार हैं अच्छा जी वाह वाहब को डिस्कस करने वो कहा से आए हैं बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है नहीं ये देखें फिर तो राना साहब आप इस बात को तो माने ना मेरा तज्जिया ये रहा है कि जो अब हुकूमत है हम पहले हाइब्रिड कहते थे ये हाइब्रिड जो आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं ना उसका प्रो मैक्स वर्जन है यानी इसमें बाकायदा तौर पर नुमाइंदगी है पाकिस्तान की मक्तदरा की हुकूमत के अंदर ये तो राना साहब आपको भी पता है ना ये तो मानते हैं आप, आप मुझे पता हो या ना पता हो लेकिन क्योंकि हुकूमत मेरी जमात की है इसलिए मैं आपकी बात की तईद या हाँ में हाँ नहीं मिला सकता <laughs> मेरी समझ मेरी तरफ से तरदीद समझे <laughs> नहीं लेकिन आपकी जो मुस्कुराहट है ना वो बड़ा कुछ बता रही है और आपकी मुस्कुराहट हमेशा बड़ा <laughs> नहीं नहीं वो देखे ना वो आपके आपके साथ हमने कभी भी गुस्से में बात की नहीं कि आपके साथ हमेशा मुस्कुरा के ही बात करते हैं बिल्कुल ठीक है नहीं नहीं मैं मुझे एहसास है और ये हमारा आपसे जो ताल्लुक है ये तो अब पंद्रह सोलह सत्रह साल हो गए आपसे हमेशा ही शफकत करते हैं मैं आप जरा ये बता दीजिए राना साहब कि बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि नहीं पिछले दिनों अनाउंस हुआ था कि राना सनाल्ला साहब पंजाब के अंदर सीनियर एडवाइज़र के तौर पर आ रहे हैं और वजारत कानून शायद या और मामला आपके पास होंगे तो राना साहब आपका इस वक्त स्टेटस क्या है आप आ रहे हैं कब आ रहे हैं इसकी कोई हल्फबरदारी होगी क्या होगा देखें इस बारे में पार्टी के एक लेवल पे ऊपर जो है वो बात होती रही है मेरा भी एक अपना इस बारे में नुकता नज़र है कि एक पार्लीमानी जमहूरी सिस्टम में गवर्नेस के मामल जो हैं वो किन लोगों के ज़ुमे होने चाहिए किन लोगों को अपनी ज़ुमेदारी निभानी चाहिए लेकिन ये मामला जो है वो अब पार्टी लीडर के पास पहुंच चुका है तो वो फिर जो फ़ैसला करेंगे वो फैसला जो है वो आखिरी होगा उस फैसले को तस्लीम करेंगे लेकिन ये क्योंकि हमारे विद इन पार्टी डिस्कशनज़ हैं वो मुख्तलिफ मामला पे मुख्तलिफ नुक़ नज़र है तो इसलिए वो पार्टी के अंदर ही रहेगा बाकी जब फैसला हो जाता है तो फिर पार्टी के फ़ैसले के साथ खड़ा होना ही जो है वो पार्टी के साथ कमिटमेंट और वफा का तकाजा है ये जो गवर्नमेंट्स के मामला हुए हैं इसके ऊपर भी नुकतः नज़र में इख्तलाफ था लेकिन जब पार्टी ने फैसला कर लिया तो हम अब पार्टी के फैसले के साथ मरान साहब ये नहीं कि आप इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पार्टी ने फैसला कर दिया है तो ये आप अपना मनसब कब संभाल पाएंगे या संभालना शुरू करेंगे नहीं पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया ये पार्टी लीडर इस बारे में जो है वो मामला को देखेंगे दोनों नुकतः नजर हैं वो जो मुनासब समझेंगे जो है वो उसके मुताबिक फैसला यानी ये, ये जो ख़बरें आई आप उन ख़बरों की तरदीद कर रहे हैं कि अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि आप पंजाब में कुछ सीनियर एडवाइज़र के तौर पर आ रहे हैं क्या फिर यही समझा जाए जी अभी अभी तक ये फैसला जो है वो पार्टी लीडर ने नहीं किया वो फैसला दोनों तरफ ही हो सकता है एक नुकतः नज़र ये है कि आ, अब जो है वो जो मुंतखब लोग हैं वो वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ वो जो है वो लें और निभाएँ दूसरी तरफ नुकता नज़र ये है कि नहीं जो सीनियर लोग हैं उनको आना चाहिए तो ये चीज़ें जो हैं ये मेरा ख़्याल है कि पार्टी लेवल पे ईद के बाद कोई मीटिंग होगी तो उसमें इस पहलू समेत बाक़ी चीज़ें भी जो हैं वो डिस्कस होंगी क्योंकि मेरा इस बारे में एक बड़ा वाज मौक़ है कि मुल्क इस वक्त बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार है उतना ही बदतरीन सियासी बहरान है आठ फरवरी के इलेक्शन से जो तो थी कि ये बहरान ख़त्म हो जाएगा ये ख़त्म नहीं हो सका इस सियासी बहरान के खात्मे के लिए भी जो है वो कोई तरीक़ाकार अपनाया जाना चाहिए और वो सियासी तरीका ही हो सकता है। वो कोई और तरीक़ा नहीं हो सकता ये बहरान की शुरुआत जो है जो सतरह अठारह में हुई उस वक्त मुल्क मुशी तौर पर भी स्टेबल होने जा रहा था सियासी तौर पर भी स्टेबल था एक साजिश के तहत मुल्क को सियासी तौर पर बहरान का शिकार किया गया उस वक़्त से आज तक मुल्क जो है वो सियासी बहरान का पहले शिकार हुआ फिर मुआशी बहरान का शिकार हो गया आज दोनों बहरान पाकिस्तान की जिंदगी में पचहत्तर साल हो गए हैं माशाल्लाह बदतरीन सतह पे हैं बदतरीन सतह पे ये दोनों बहरान और पाकिस्तान जो आ इकट्ठे नहीं चल सकते बिल्कुल ठीक ठीक इमरान साहब आपका बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया और जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है यकीनी तौर पर लोगों को अब समझ भी आ गया है आप कौन सी बात किस पैराए में कर रहे हैं प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं जी वापस आएंगे जो इमरान खान साहब ने गुजतर रोज़ कहा उसकी बड़ी अहमियत अपनी जगह है उस पर बात कर लेते हैं वो पैगाम किसके लिए है और अब तो ये डायरेक्ट इल्ज़ाम हैं जो कि पाकिस्तान के इस्टबलिशमेंट की तरफ से पाकिस्तान के स्टैब्लिशमेंट पर इमरान खान साहब लगा रहे हैं रेखा उससे बात करते हैं मेरे साथ